नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं डैमेज्ड हेयर के बारे में। मेरे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, कई बार हम रिप्लाई करते रहते हैं तो कभी लगता है कि डैमेज हेयर मींस बालों का रफ होना, जिसे अपन कहते हैं टूट जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, स्टाइल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। डैमेज हेयर से क्या तात्पर्य है, आपका हेयर डैमेज क्यों हो गया, आपसे क्या गलती हुई और डैमेज हेयर को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डैमेज हेयर से क्या तात्पर्य है। डैमेज मींस जिसको चोट लग गई हो, खराब हो गया बाल। बाल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि बाल एक मृत स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि अपन इसको काटते हैं तो अपने को दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, और यदि हम बाल को काट देते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का हमारे को कोई संवेदना नहीं होती, अतः ये हमारी निर्जीव है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर तीन लेयर होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल एक परत होती है जिसे अपन चमड़ी बोल सकते हैं। फिर कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। जो बाहर की खाल है वो एक केराटिन नाम के पिगमेंट से बनी होती है और वो लेयर्स में जमा रहता है, एक के ऊपर एक शिंगल्स, जैसे कवेलू होते हैं ना, ऐसे होता। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ऐसे होते हैं शिंगल्स एक दूसरे के ऊपर और इसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। 93-95% तक इसके अंदर प्रोटीन होता है, फिर वाटर होता है, कुछ एयर भी कभी कभी रहती है और अन्य चीजें रहती है। लेकिन ये जो शिंगल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में रहती है, यदि ड्रायर का उपयोग करेंगे, बहुत ज्यादा केमिकल्स काम में लेंगे, नहाने के बाद उन बालों को बहुत रफली हैंडल करेंगे तो जो प्रोटीन की परत है बाहर की, जो उसकी खाल है, वो फट जाती है, टेयर हो जाती है और ये शिंगल ऐसे ओपन अप हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? हाई पोरोसिटी का हो जाता है। मीन्स उसके अंदर वाटर ज्यादा जा सकता है, एयर उसके अंदर चली जाती है, या जो हॉट एयर आपने ब्लोअर काम में लिया उसमें जो एयर है वो मोटी हो जाती है, बबूला बन जाता है और उस जगह से वीक हेयर बन के वो फूट जाता है। तो ये सारे डैमेज हेयर की परिभाषा में आते हैं और किस लिए होते हैं? टू मच ऑफ यूज ऑफ हेयर ड्रायर स्पेशली, टू मच यूज ऑफ कलरिंग एजेंट एंड टू मच यूज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ डाई से आपके हेयर डैमेज होते हैं। अब आते हैं कि भाई आपके हेयर कैसे डैमेज हुए, तो जो मैंने बताया वही आंसर है। क्या आपने डाई काम में ली, क्या आपने ब्लीचिंग कराई थी, या आप बहुत ज्यादा रेगुलरली ड्रायर का उपयोग करते हैं, या आप रेगुलर हेयर ड्रेसर से आपका हेयर केयर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, क्योंकि ये सारे कारण मैंने आपको बताया। ये कई लोग नहाने के बाद बहुत जल्दी में उनको ब्रश करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, और आप अननोइंग रहते हैं, आपको नहीं पता रहता। अब आता है भैया मैं इसकी केयर क्या करूं, क्या नहीं करना, आपको समझ में आ गया। बाल को क्या करना? प्यार करना यार। आपको जब इतनी पसंद है ये चीज, तो जो चीज जिसको आप इतना पसंद करते हो उसके साथ थोड़ा प्यार से रहो, उसके ऊपर आए दिन कोई केमिकल मत डालो, करेंगे क्या अपन, बस प्यार से रहो। इसके अंदर सब कुछ आ गया, जेंटल हैंडलिंग करो, ऑयलिंग करो, कंडीशनर करो, शैम्पूइंग करो। अब आपका डैमेज हेयर हो गया, आपको क्या करना है? उसके लिए बहुत सिंपल चीजें हैं जो मैंने बताया। एक तो जो कर रहे थे, जिससे चोट हो रही थी उसको बंद कर, फिर उसके बाद में आप किसी डॉक्टर को, ट्राइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। घर पे आप क्या कर सकते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ कंडीशनर या हेयर मास्क, आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, वो आप अपने घर पे बना सकते हैं, एग का बना सकते हैं, ग्लिसरीन और हनी का बना सकते हैं, बनाना का बना सकते हैं, दही के साथ में हनी डाल सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार के बहुत सारे हेयर मास्क आते हैं, वो आप घर पे भी बना सकते हैं और किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाकर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह में एक दो बार हेड वॉश से पहले अच्छा ऑयल लगा सकते हैं, या फिर आप कंडीशनर अच्छी क्वालिटी का सप्ताह में एक या दो बार उपयोग कर सकते हैं। फिर किसका बना होता है? हेयर प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन की सब मेटाबॉलिज्म और हेयर को बनाने के लिए विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल चाहिए होते हैं। तो इनफ अमाउंट के अंदर आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिंस, विटामिन सी है और प्रोटीन है। आप तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए और बालों को प्यार करिए, इनकी अच्छे से केयर करिए। इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।